हाँ हाय जतिन बेटा, मोहित हाँ बेटा, सबको बुला लो जल्दी से, है ना, सबको बुला लो जल्दी से, क्लास चालू हो चुकी है, जल्दी से बताओ, बुला लो सबको, क्लास चालू हो चुकी है, बुला लो सबको। हाँ मोहित बेटा हाय, हाँ जतिन बेटा हाय, वो मयंक को बोल दे बेटा, मयंक को फोन करके जल्दी से बोल दे, और क्लास स्टार्ट हो चुकी है 2 मिनट में। हाँ जतिन हाय बेटा, हाँ मोनू जाट हाय, हेलो बेटा, मोनू जाट बेटा तो 12th में है ना, तो दोनों क्लास ज्वाइन करते हैं क्या? हाँ बुला ले सबको, बुला लो जल्दी से, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम। कहाँ तक हो गया था वैसे जतिन अपने? हाँ हाय बेटा सुनील मीणा, ओहो कुलदीप आ गया क्या? आई एम फाइन बेटा, एंड यू? अरे कुलदीप, वो जो राहुल है ना, उसको और वो कोमल तनुजा को फोन करके बता दे क्लास चालू हो चुकी है, शायद उनको पता नहीं है। कुलदीप मैं तेरे से बोल रहा हूँ बेटा, राहुल को और कोमल तनुजा को फोन करके बता दे क्लास चालू हो चुकी है, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जतिन बेटा कहाँ तक हो गया था हमारा, ये बता पहले, तो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? राधे राधे गोविंद चौधरी बेटा, जल्दी आ जाओ सब, आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा मयंक बाहर गया है क्या? चलो कोई बात नहीं है, तुझे नंबर पता नहीं राहुल के? कुलदीप, कुल उसके राहुल को तो होंगे तेरे को पता नंबर? नहीं है क्या? हाँ आदिल खान, हेलो बेटा, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हो गया था हमारा ये बताओ पहले, तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था 10th का, वो कहां तक हो गया था? टेंस, हाँ अंजलि हेलो बेटा, बोरी बंद कर दूं मैं एक्चुअली। प्रेजेंट में आफ्टर मतलब? अच्छा गोविंद चौधरी राहुल ही गए? ओके ओके बेटा, अरे राहुल कोमल तनुजा को फोन करके बोल दे बेटा, ताकि वो ज्वाइन कर ले, उनको पता नहीं शायद क्लास का। इसको सेक कर थोड़ा सा, अफर्मेटिव चल रहा है। अच्छा ठीक है, ये देखो अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये तो हमारा टेंस था, और इसमें सेंटेंस चल रहा था हमारा अफर्मेटिव, ठीक है, ये हो गया था क्या हमारा अफर्मेटिव? ओहो आ गया, अरे कोमल तनुजा 12 बज चुके हैं बेटा, 12 बजने के बाद गुड मॉर्निंग नहीं होता, गुड आफ्टरनून होता है, ठीक है भाई? हाँ चलो ठीक है, अफर्मेटिव चल रहा था हमारे, तो अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर थी हमारे पास, देखो क्या थी, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट, एस ई एस आई ई एस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है? तो हमारी ये स्ट्रक्चर थी, हम इसके एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। हाँ राम राम बेटा कुलदीप, राम राम बेटा, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अरे जतिन व्हाट्सएप मैसेज किया था तूने? ओके देखो, तो हमारा यहां पर सेंटेंस है, जैसे मैं कहूं आपको, वह
लड़की, वह लड़की प्रति दिन अंग्रेजी बोलने का प्रयास करती है। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ आप जल्दी से, जल्दी इंग्लिश बनाओ विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, जल्दी से बना लो। देख कौन सही बनाता है, एकदम करेक्ट विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। ओके जल्दी बनाओ, मैं पानी पिया जब तक, है ना, जल्दी से बना लो। हाँ भाई, अरे जतिन नहीं आ गया रहा, कहीं नहीं गया, यहीं हूँ। दैट गर्ल ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे, गोविंद चौधरी मतलब राहुल। दैट गर्ल ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे, और दैट गर्ल ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे। अच्छा जतिन का भी आ चुका आंसर, काना इसका भी आ गया, दैट गर्ल ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश ट्राइज, अच्छा ट्राइज में गलतियाँ चल रही है। जतिन की भी ट्राई की स्पेलिंग गलत है भाई। कोमल तनुजा ट्राई गलत है, अंजलि ट्राई की स्पेलिंग गलत है, और ये राहुल की भी गलत है। और वो किधर गया कुलदीप, अरे कुलदीप किधर गया भाई, ट्राई की स्पेलिंग गलत है सबकी, दोबारा ट्राई करो। हाँ दैट गर्ल ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे, अरे कुलदीप बेटा ट्राई की स्पेलिंग गलत है सबकी। हाँ ये आया अजय वर्मा, बिल्कुल सही, ट्राई जैसे लिखते हैं भाई, अजय वर्मा वेल डन। तो यहां पर हो जाएगा हमारा, देखो इसकी सही इंग्लिश होगी हमारे पास, वह लड़की मतलब दैट गर्ल, ठीक ही हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद वी फर्स्ट, काम क्या हो रहा है, अब दो काम हो रहे हैं यहाँ पर,
बोलने का और प्रयास करने का। तो हमें पता है कि जब हमारे हिंदी के सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब आ जाती है तो बाद वाली पहले लेते हैं और पहले वाली बाद में लेते हैं। तो बाद में हमारी क्या है, ट्राई, तो ट्राई आएगी। ठीक, अब ट्राई में क्या लगाना है, ऐसी साइज लगाना है। तो अब कोई भी वर्ब में अगर आखिरी में वाई आता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है तो हम वाई को हटाकर आई एस लगा देते हैं। ठीक, तो ट्राइज, अब दूसरी वर्ब लेंगे, इसको कैसे कनेक्ट कर देंगे हम टू से। तो दैट गर्ल ट्राइज टू, बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक। और अब यहां तक हो गया हमारा, फाइंड करते हैं क्या किसे किसको से क्या। अब कुछ बच रहा है क्या हमारा, ये बच रहा है प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या है, अदर वर्ड। तो यहां पर है हमारा एवरीडे, एवरीडे लिख लो या डेली लिख लो, एक ही बात है ना, ये हो गया। ठीक, हाँ भाई, हो गया तक। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, हाँ कॉमा नेक्स्ट वन ही चलेगा अभी, पेशेंस रख बेटा थोड़ी सी, है ना। देखो आप सुनो मेरा क्वेश्चन, इस सेंटेंस में हाँ जतिन सही बोल रहा है, जतिन सही बोल रहा है कोमल, और ये कोमल तू ही बोल रही है नेक्स्ट वन, मेरे को पता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सबर करो भाई, जतिन की बात का ध्यान रखो सब। चलो नेक्स्ट सेंटेंस अब आपके लिए, अब मैं उलझाऊंगा आपको सेंटेंस है कौन सही बनाता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आपका भाई रवि, आपका भाई रवि आपका भाई रवि इस प्रश्न का जवाब जवाब देना चाहता है। आपका भाई रवि इस प्रश्न का जवाब देना चाहता है। अब बनाओ जल्दी से, देख कौन बनाता है। हाँ भाई करो आंसर जल्दी से। अब आंसर करो जल्दी से, जल्दी बनाओ भाई जल्दी बनाओ। ये कोमल तनुजा, डू यू वर्क जतिन, क्या है ये, हाँ सेंटेंस बनाओ भाई जल्दी सेंटेंस बनाओ। योर ब्रदर रवि वॉन्ट्स टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओहो प्रतिभा जी भी आ गए क्या, चलो बहुत अच्छे। सब्जी वाला आभार, अरे भाई क्या करें, अभी मेन रोड पे ही है मकान, तो ये आवाज़ आ ही जाती है बाहर वालों की, कौन क्या बेच रहा है क्यों नहीं बेच रहा है ना। तो आप उस पर ध्यान डाइवर्ट नहीं करें अपना ध्यान, केवल इधर ध्यान रखें बोर्ड पे, है ना। चलो ले ली सब्जी बेटा, ले ली मोहित मीणा, चलो सेंटेंस बनाओ, आप सेंटेंस बनाओ जल्दी से। ये जो सेंटेंस लिखा है कि आपका भाई रवि इस प्रश्न का जवाब देना चाहता है, क्या है देखा, योर ब्रदर रवि वॉन्ट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये थोड़ी सी गलती है इसके अंदर राहुल बेटा, थोड़ी गलती है इसमें, और कोई जल्दी आंसर करो भाई, ऐसे नहीं, हाँ इसका थोड़ी सी गलती है। योर ब्रदर रवि वॉन्ट्स टू गिव
दिस क्वेश्चन ऑफ आंसर, क्या पता हर कुछ है ये तो, कोमल तनुजा ने हर कुछ कर दिया ये। देखो क्या लिखा है इसने, कोमल तनुजा ने क्या लिखा है, इस प्रश्न का जवाब देना है, उत्तर का प्रश्न देना चाहता है, क्या देना चाहता है, इस आंसर का प्रश्न देना चाहता है। अरे वाह भाई कोमल तनु, उल्टा सुल्टा कुछ भी लिख रहे हो, अरे थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। देखो इधर देखो, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट फाइंड करना है, सब्जेक्ट क्या है आपका भाई रवि, तो योर ब्रदर रवि, ठीक। अब क्या करना है हमें यहां पर, वी फर्स्ट लेनी काम, काम क्या हो रहा है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक तो चाहना और एक जवाब देना है ना, तो दो क्रिया है इसमें, जवाब देना और चाहना। तो हमें पता है जब भी एक से ज्यादा क्रिया आती है तो हम बाद वाली को पहले और पहले वाले को बाद में लेते हैं, तो बाद में क्या है हमारे पास, चाहना, तो इसको लेंगे पहले वॉन्ट, ठीक। अब वॉन्ट में क्या लगाना है, एस एस आई एस लगाना है, तो इसमें क्या लगता है एस। अब दूसरी क्रिया क्या है, जवाब देना, जवाब देने को क्या बोलते हैं, आंसर, आंसर में देना आ गया, गिव का यूज करना हमें जरूरी नहीं है, है ना, आंसर का मतलब ही क्या होता है, जवाब देना, मतलब वर्ब है। तो आंसर, तो हम दोनों वर्ब को कैसे कनेक्ट करते हैं, टू से, टू आंसर, ठीक, टू आंसर, किसका आंसर, इस प्रश्न का, अभी काके की लग रहा है ना, जिसके भी आगे का लग रहा है ना उससे पहले ऑफ लगता है, सुन लो कोमल तनुजा, तुम हर कहीं लगा देते हो, हर बार मिस्टेक करते हो, तो ये जो काके की के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो ये जो ऑफ लगाएंगे हम किसके बाद लग रहा है, काके की, इस प्रश्न, तो ये ऑफ लगेगा इस प्रश्न से पहले, क्या लगेगा, इंग्लिश में जो काके की जिसके बाद लगता है इंग्लिश में उसके पहले हो जाता है, तो ये तो काके के लिए तो ऑफ आ गया, अब ये इस प्रश्न का पहले लग रहा है ना, तो इस प्रश्न के इधर बाद आ जाएगा, तो दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहां तक किसी को समस्या है, हाँ अशोक सैनी, हाय बेटा, आप तो नहीं करोगे गलती ऐसे प्रश्न में, हाँ? चलो इस सेंटेंस का एक लास्ट, इस टेंस का एक लास्ट सेंटेंस दे रहा हूं, चलो ठीक है जतिन, नो 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 नो, चलो ठीक है, अब इस सेंटेंस, इस जो टेंस चल रहा है हमारा, इसका लास्ट सेंटेंस है, फिर हम अगला टेंस, अगला सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो जल्दी से, फिर मैं दूसरा बनाता हूं, ठीक, चलो एक दो तीन चार, ये हो गया स्क्रीनशॉट, ओके डन 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 डन। अब देखो देखो, अब मैं है, हम इस पहेली को हल करने, हम इस पहेली का एक बार हल करने का प्रयास करना चाहते हैं। अब बनाओ, दे कौन बनाता है, बिल्कुल सही, एकदम सही बनना चाहिए, विदाउट मेकिंग एनी टाइप ऑफ मिस्टेक, चलो जल्दी से, हम इस पहेली का एक बार हल करने का प्रयास करना चाहते हैं, देख कौन बनाता है, प्लीज कीप क्वाइट यार, ओके, अरे भाई सब शांति बनाए रखो, ये मोहित सिंह, मोहित मीणा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, देख कौन बनाता है इसका सही एकदम,
जल्दी आंसर करो भाई। हाँ, वी वॉन्ट्स टू ट्राई दिस पजल वंस। गोविंद सिंह चौधरी, गोविंद चौधरी यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। और कोई? जल्दी करो भाई आंसर। देख कौन सही करता है इसका आंसर। वी वॉन्ट टू सॉल्व दिस पजल फॉर वन टाइम। जतीन नॉट करेक्ट। आप कौन करेगा इसका सही? मोहित मीना। वी वॉन्ट टू ट्राई सॉल्व दिस पजल वन टाइम। कोमल तनुजा यू आर ऑल्सो रॉन्ग। और कोई? सही करो भाई जल्दी से। तरीके हर कुछ तुक्के मत लगाओ, पहले सेंटेंस को अच्छे से देखो, फिर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाओ, तब सही बनेगा। ऐसे थोड़ी बनेगा हर कुछ तुक्के लगा रहे हो। हाँ, एक कन्नूराज। वी वॉन्ट टू ट्राई टू सॉल्व दिस पजल। कन्नूराज का आंसर आया वी वॉन्ट टू ट्राई टू सॉल्व दिस पजल वंस। हाँ, कन्नूराज का एब्सोल्यूटली राइट, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, कुछ भी मिस्टेक नहीं है। शाबाश कन्नूराज। मोहित मीणा नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है भाई। कन्नूराज का बिल्कुल सेंटेंस सही है। अब मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम ध्यान ही नहीं देते और स्मार्ट बनने का प्रयास मत करा करो। वी वॉन्ट टू ट्राई टू सॉल्व दिस पजल वंस। हाँ, अब सही है जतिन तेरा, बिल्कुल सही है, देर इज नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। चलो देखो अब क्या गलती कर रहे थे तुम इस सेंटेंस में, वही करना है हमें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम, ओके। इसके बाद में वी फर्स्ट लेनी है। अब तुमने क्या करा, वी फर्स्ट तो ले ली, लेकिन तुम्हें दो ही वर्ब दिख रही है, तीन वर्ब ली मैंने इस बार इसमें। देखो, हल करना, प्रयास करना और चाहना, तीन तीन वर्ब है इसमें। देर आर थ्री वर्ब्स इन दिस सेंटेंस, इट मीन्स यू हैव टू यूज ऑल द थ्री वर्ब्स इन मेकिंग दिस सेंटेंस, ओके, तभी आपका ये सेंटेंस सही होगा। अदरवाइज देर इज नो चांस टू बी करेक्ट ऑफ योर सेंटेंस। ठीक, देखो तो हमें तीनों वर्ब लेनी है। अब मैंने कहा क्या, जब भी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब आ जाए तो हमें क्या करना है, बाद वाली पहले लेना है, पहले वाली बाद में लेना है। ठीक, अब देखा हमने हिंदी में एक नंबर पे ये आ रही है, दो नंबर पे ये आ रही है और तीन नंबर पे ये आ रही है। तो हम इंग्लिश जब बनाएंगे तो उल्टा कर देंगे, तीन की एक आ जाएगी, दो की दो रह जाएगी और एक की तीन हो जाएगी। ठीक, तो सबसे आखिरी में कौन सी आ रही, चाहना। तो क्या आएगा यहाँ पर, हम, तो हमको क्या बोलते हैं, वी। ठीक, तो चाहने को क्या बोलते हैं, हम, वॉन्ट। ठीक, ये हो गया वी फर्स्ट आ गया। अब इसमें ऐसी साइंस लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो हम ऐसी साइंस का प्रयोग नहीं करते। अब दूसरी वर्ब कौन सी, प्रयास। तो हमें पता है जब भी हम वर्ब को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो उसको हम कैसे लेते हैं, तो हम क्या करते हैं फिर उसको टू से कनेक्ट करते हैं, तो टी आ गया टू। और दूसरी वर्ब कौन सी, ट्राई। ठीक, फिर एक और वर्ब आ रही है हमारे पास ये, तो इसको भी कैसे कनेक्ट करेंगे, हल, टू सॉल्व। ठीक, हो गया यहां तक। तो यहां पर हो गया वी वॉन्ट टू ट्राई टू सॉल्व। अब ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट हम कैसे लगा पता करते हैं, जो भी हमारी मेन वर्ब दे रखी है उससे पहले क्या किसे किसको से प्रश्न करेंगे तो हम हमारा ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या सोल्व करना चाह रहे हैं, ये क्या सोल्व करना चाह रहे हैं, इस पहेली, किसको, इस पहेली, तो दिस रिडल। पहेली को क्या बोलते हैं, रिडल या पजल, कुछ भी लिख लो, रिडल मतलब पहेली और पजल मतलब पहेली। तो वी वॉन्ट टू ट्राई टू सॉल्व दिस रिडल, एक बार बोले तो वन टाइम या वंस, दोनों सही है। ठीक है, वंस का मतलब एक बार होता है और वन टाइम का मतलब भी एक बार होता है। ठीक है, यहां तक किसी को समस्या नहीं है अब? हाँ भाई, समझ में आ गई सबके बात, अब तो कोई गलती नहीं करोगे इस प्रकार के सेंटेंसेस में। अरे भाई अशोक सैनी, अगर नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले बेटा चैनल को पहले,
और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। तो जो भी नए हैं चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट लाइव क्लास जब भी लगेगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप ज्वाइन हो जाओगे क्लास में, ठीक है। चलो अब यहाँ तक कोई दिक्कत है, आगे बढ़े हम, है भाई कोई दिक्कत है अब आपको? हाँ सही है कनुराज, तेरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़े अब हम। हाँ भाई तो क्या करें भाई, राहुल चौधरी एक और सेंटेंस दू क्या इसी प्रकार का, तीन वर्ब वाला एक और सेंटेंस दू क्या? वंस मोर, अच्छा एक और चाहिए। अरे भाई अशोक सैनी चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेटा, नया है तो है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो एक ही सेंटेंस एक और देता हूं मैं इस प्रकार का, लेकिन अब इस बार गलती मत करना, आपको क्या करना है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, दैट्स इट। इफ यू वॉन्ट टू मेक करेक्ट सेंटेंस देन यू विल हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। हाँ अच्छा कोमल तनुजा भी चाह रही है, एक और दो एक और दो, चलो ठीक है कर दिया, थैंक्स बेटा। तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको टाइम टू टाइम। चलो अब इसी प्रकार का एक और सेंटेंस लिखो, वे सभी लड़के अब क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हैं। अब बताओ गलती नहीं होना चाहिए, एनी टाइप ऑफ मिस्टेक मस्ट नॉट बी मेड, ओके। चलो जल्दी सेंटेंस बनाओ, वे सभी लड़के अब क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हैं, देख कौन बनाता है सही, जल्दी से। अरे जतिन बेटा किधर चैटिंग कर रहा है, बाद में कर लेना, पहले सेंटेंस बना ले, जल्दी सेंटेंस बनाओ अब, और ये वीडियो को लाइक कर लो भाई जल्दी से, जल्दी से लाइक भी कर लो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है ना, लाइक कर लो, ये 10 और 8 का आंकड़ा दिख रहा है, 10-10 कर लो बराबर बराबर। देख कौन बनाता है सही, बनाओ जल्दी बनाओ। दे ऑल बॉयज वॉन्ट टू लर्न टू प्ले क्रिकेट, जतिन देयर इज अ मिस्टेक एंड यू योर सेल्फ हैव टू फाइंड आउट द सेम मिस्टेक, ओके। और कोई, बस एक ने आंसर किया अभी तक, दोज ऑल बॉयज, ये तुम्हें 10 बार कह दिया कोमल तलुजा, दोज ऑल नहीं होता, ऑल दोज होता है या ऑल दीज होता है, कितनी बार कहूं तुमसे, हर बार मिस्टेक करते हो, इधर का उधर उधर का इधर करते हो, ऑल पहले आता है, दोज दीज सब बाद में आता है। अगर ऑल बाद में ले रहे हो तो फिर दे लगाओ, दे ऑल आएगा फिर। हाँ कन्नू का क्या आया, ऑल दोज बॉयज वॉन्ट टू लर्न टू प्ले क्रिकेट नाउ,
दे ऑल बॉयज वॉन्ट टू प्ले लर्न हाउ टू प्ले क्रिकेट. अमित मीणा, दे ऑल बॉयज वॉन्ट टू लर्न हाउ. अशोक सैनी, गलत है बेटा. जतिन, या फिर दे ऑल बॉयज वॉन्ट टू लर्न टू प्ले क्रिकेट नाउ. ऑल दोज, अब भी गलत है ये. एक ने सही बनाया है बस. इसका सही है दे ऑल बॉयज वॉन्ट टू प्ले लर्न. एक का भी सही नहीं है भाई, इसका भी गलत है. अमित मीणा का भी गलत है. वैसे अमित मीणा ने अच्छी ट्राई की है. बाकी सबका गलत है. कन्नूराज, तेरा भी गलत है. अमित मीणा दे ऑल बॉयज है लिखा, लिखने के बाद भी गलत है तेरा सेंटेंस. अब भी गलत है सेंटेंस. और कोमल तनुजा, ऑल दो, तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी. सही, इसके बाद भी गलत है. सही बनाओ सही. आई वॉन्ट टू नो करेक्ट सेंटेंस नॉट रॉन्ग. देख कौन सही बनाता है. आवाज तो क्लियर आ रही है ना भाई सबको, है भाई? अरे आवाज तो क्लियर आ रही है सबको. जतिन, आवाज साफ आ रही है बेटा? दे ऑल बॉयज वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्ले क्रिकेट. अब सही है अमित मीणा. अच्छा जी, सही आ रही है. चलो ठीक है ठीक है. हाँ अमित मीणा, अब सही है इसका. अमित मीणा का दे ऑल बॉयज वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्ले क्रिकेट बिल्कुल सही है. तुम्हें 10 बार कह दिया मैंने कि जब भी हमारे पास ये दो वर्ब आती है, नो और लर्न, अगर ये दोनों वर्ब आ जाए और इसके बाद भी हमें कोई वर्ब लेनी हो तो उसको हम कनेक्ट करते हैं हाउ टू से. किससे करते हैं? हाउ टू से. लेकिन तुम क्या है, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हो, इसलिए आप याद ही नहीं करना चाहते, भूल जाते हो. मैं इसी प्रकार के सेंटेंस बार बार बीच बीच में इसीलिए तो लेता हूं कि तुम्हें चेक करना चाह रहा हूं. ऑल दोज बॉयज वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्ले क्रिकेट नाउ. अब सही है कोमल तनुजा, अब बिल्कुल सही है. ठीक है, तो हमारा देखो वही सब्जेक्ट पहले, वे सभी लड़के, या तो हो जाएगा हमारा ऑल दीज बॉयज या दे ऑल. तो ऑल दीज बॉयज, ठीक, ऑल दीज बॉयज सब्जेक्ट हो गया. अब हमें लेना है वर्ब. क्या लेना है? वर्ब. अब हम वर्ब के जैसे गए देखने तो हमें पता चला कि यहां पर तो भाई तीन तीन वर्ब है. क्या है? खेलना भी वर्ब है, सीखना भी वर्ब है और चाहना भी वर्ब है. लेकिन हम डरते नहीं है. एक हो तो बढ़िया, तीन हो तो बढ़िया, 10 हो तो बढ़िया. क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से पता है. किसने टिप लिया? दे ऑल बॉय वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्ले क्रिकेट. अंजलि ने टिप लिया कि जतिन है रे? ऐसा कुछ नहीं है. अंजलि को भी, अंजलि भी आजकल इंटेलिजेंट हो रही है. टिप राइट नहीं, वो भी बनाती है आजकल सेंटेंस. तो देखो हमारे पास एक हो बढ़िया, दो हो तो कितनी भी हो, हमें पता है कि जो हमारे पास पहले आती है हम उसे बाद में ले लेते हैं, और बाद में आती है तो उसको पहले ले लेते हैं. तो हमारे पास आखिरी में कौन सी आ रही है? चाहना. तो हमारे पास ये आ गई चाहना, वॉन्ट. ठीक, अब इसके बाद दूसरी क्या है? सीखना. तो क्या लगाएंगे? टू लर्न. ठीक, अब हमें पता है कि लर्न आए या टू नो आए, अगर इसके बाद भी हमें कोई वर्ब लेनी होती है तो हम क्या करते हैं? उसको हाउ टू से कनेक्ट करते हैं. किससे करते हैं? हाउ टू से. क्योंकि हमारे पास लर्न मिल गई, लर्न को हम हाउ टू से कनेक्ट करेंगे. कब? जब उसके बाद वर्ब होगी तभी करना. ऐसा मत कर देना कहीं लर्न के बाद दूसरी वर्ब भी नहीं है और जबरदस्ती तुम उसको हाउ टू से कनेक्ट कर दो. ऐसा नहीं होता है. इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद हाउ टू, देन देयर शुड बी एनी अदर वर्ब इन द सेंटेंस. ठीक, देखो तो लर्न
अब क्या है ये, हाउ टू से कनेक्ट हो जाएगा, हाउ टू प्ले, ये आ गया। तो ये तीसरी वाली वर्ब कैसे कनेक्ट हो गई, हाउ टू प्ले, और ये क्रिकेट का क्रिकेट, CRICKET, ये हो गया हमारा सेंटेंस, बहुत सरल। ठीक है, हाँ आप सही है सबका। अरे कोमल तनुजा, तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो बार बार, है? आप बड़े आगे। अरे भाई लाइक भी कर लो वीडियो को जल्दी से। हाँ नेक्स्ट ही दे रहे हैं, वंस मोर। अमित मीणा चाह रहा है कि एक और दो ऐसा सेंटेंस, और कोई, अरे और लेना चाह रहे हो कि ऐसा सेंटेंस? या अशोक सैनी बोल रहा है एक और सेंटेंस, चलो एक और दो सेंटेंस, चलो बढ़िया है, एक और लो सेंटेंस। अरे जतिन तू किधर चैटिंग में उलझ गया रे मेरे भाई, सेंटेंस पे ध्यान दे ले रे। हैं चलो एक और सेंटेंस लो ऐसा ही, वंस मोर। ओके राहुल चौधरी, एक और लो ये। अच्छा कोमल तनुजा मना कर रही है, अच्छा इनको तो आ गया मतलब, चलो ठीक है आ गया ना, तो अभी सेंटेंस गलत नहीं होना चाहिए कोमल तनुजा, ध्यान रखना। ठीक है चलो लास्ट वन और ले लेते हैं अपन इसी का, लिखो इसकी हिंदी। मैं अब एसएस लेते रहना भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, जल्दी से ले लो जिसने नहीं लिया हो। ले लिया, जितेंद्र महावर। ये कौन है भाई जितेंद्र महावर? अरे भाई क्वालिटी गुड नहीं है तो क्वालिटी को बढ़ा ले, क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी। इधर से क्वालिटी पूरी कर रखी है मैंने, तेरे उधर से क्वालिटी को बढ़ा ले, 480 पे देख ले, बिल्कुल साफ दिखेगा। ओके जितेंद्र महावर, चलो हाँ आप देखो सेंटेंस एक और, इसको आपको बनाना है। मैं आज तैरना, मैं आज इस नदी में तैरना सीखने का अभ्यास करना चाहता हूं। बनाओ देखे अब, बट गलती नहीं होना चाहिए। मैं आज इस नदी में तैरना सीखने का अभ्यास करना चाहता हूं, चलो बनाओ अब। देखा कौन बनाता है अब सही, कोमल तनुजा अगर गलत हो गया ना तो दुख पड़ेगा, सही बता रहा हूं। जितेंद्र महावर जो इतने बच्चे हैं इनको तो साफ दिख रहा है, बस तेरे को ही नहीं दिख रहा कि साफ है भाई। देखा आप बनाओ सही, कौन सही बनाता है इसको? और कन्नू राज तेरा भी गलत हो गया ना तो फिर दुख पड़ेगा तेरे तो मुंह पे ही। और लाइक कर लो भाई जल्दी से, लाइक कर लो जिसने लाइक नहीं किया है अभी तक। आई वॉन्ट टू ट्राई टू स्विम इन दिस रिवर। अरे जतिन इसमें अभ्यास कहाँ आया, ये तो पूरा ही गलत कर दिया तूने जतिन, जल्दी मत करे मेरे भाई, आराम से बना। आई प्रैक्टिस टू लर्न हाउ टू स्विम दिस, इसमें चाहना कहाँ है कन्नू राज? अरे चाहना कहाँ गया, हर खुशी बना रहे हो क्या? आई वॉन्ट टू ट्राई टू स्विम इन दिस रिवर,
अरे अमित मीणा, इसमें अभ्यास करना कहाँ रही, तुम क्या कर रहे हो ये तो बता दो मेरे को। कोई इस वर्ब को भूल रहा है, कोई इस वर्ब को भूल रहा है, कोई इस, अरे भाई पूरी वर्ब को सेंटेंस में लो, हर कुछ ही कर रहे हो, सब एक ने एक वर्ब को भूल। आई वॉन्ट टू ट्राई टू स्विम इन दिस रिवर, आई प्रैक्टिस टू। अरे कन्नू, अरे तू कन्नू राज, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस टू लर्न हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम इन दिस रिवर टूडे। अरे तोसिफ मियाँ, ये हार्ड है हमारे बच्चे बना रहे हैं, काय का हार्ड है ये? आप टीचरों के ऐसे करोगे कि तोसिफ मियाँ दिस इज नॉट छो की बात, आप कह रहे हो ये हार्ड है और बच्चे बना रहे हैं यार, तोसिफ भाई ऐसे करोगे क्या यार? तोसिफ मियाँ हमारे बच्चे बना रहे हैं, ये तो देखो तो सही, इसको देखो, कानाराम जाट में ये दो लड़कियां हैं, कोमल और तनुजा, इन्होंने बिल्कुल सही बनाया सेंटेंस, वेल डन बेटा, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही बनाया है तुमने, देर इज नो एनी टाइप ऑफ मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, शाबाश, वेल डन वंस अगेन। सच में नहीं आ रहा यार, अरे यार तोसिफ मियाँ ऐसे करोगे यार? अरे 1 GB डाटा इतनी जल्दी खत्म कर लिया क्या मेरे भाई? अभी तो पूरी 20 मिनट क्लास चलेगी। और कोमल तनुजा, वेल डन बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा सेंटेंस, बिल्कुल सही है, शाबाश, वेरी गुड। आप देखो क्या करना है इसमें, मैंने क्या करी, तीन नहीं चार चार वर्ब ले ली एक साथ, क्या ले ली, चार वर्ब ले ली, और तुम बाकी जो कोमल तनुजा के अलावा जो बच्चे थे उन सभी ने एक एक वर्ब खा ली और तीन ही ले ली यहां पर, है ना? तो ऐसा नहीं करना है, देखो अब इसकी इंग्लिश देखो, मैं आई, ठीक, अब ये सब्जेक्ट आ गया वर्ब लेनी, अब वर्ब देखो कितनी सारी आ गई इसमें, तैरना आ गया, सीखना आ गया, अभ्यास करना आ गया और चाहना आ गया, ठीक है? तो हमने इसमें चार चार वर्ब ले ली, अब चार वर्ब ले ली तो क्या फर्क पड़ता, डोंट फर्क पड़ता है ना, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है कि अगर सेंटेंस में मोर देन वर्ब वन वर्ब मोर देन वन वर्ब्स आ जाए तो हमें क्या करते हैं, बाद से स्टार्ट करते हैं और सबको टू लगा लगा के कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ कन्नू राज का आंसर आया, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस हाउ टू लर्न स्विम। अरे मेरे भाई कन्नू क्या कर रहा है, अभी गलत है तेरा, हाउ टू यहां लगेगा क्या, इनके बाद लगता है, लर्न के बाद और नो के बाद, तूने पहले लगा दिया, देख तो सही पहले कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस लर्न हाउ टू स्विम इन दिस रिवर। नहीं अंजलि, थोड़ी सी गलती कर दी तूने, थोड़ी सी गलती कर दी, जल्दी चेक करके आए अंजलि। अब देखो क्या करना है हमें, सबसे आखिरी में जो वर्ब आ रही उसको पहले ले लो, क्या आ रही, चाहना, तो ये आ गया वॉन्ट, ठीक आ गया वॉन्ट। अब क्या करना है इसमें, ऐसी साइज देखो पहले तो लगेगा कि नहीं लगेगा, सब्जेक्ट इज प्लूरल, इट मीन्स वी हैव नॉट टू यूज एस एस और आई एस इन एनी इन दिस वर्ब। अब आगे देखो दूसरी वर्ब क्या है, प्रैक्टिस करना, अब प्रैक्टिस करने के लिए टू से लगाएंगे हम, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस। अब मेरे को बताओ, देखो मैं चेक करूं पहले प्रैक्टिस की स्पेलिंग किसने क्या लिखी है, प्रैक्टिस की स्पेलिंग कन्नू राज ने जो लिखी है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है? और देखे कोमल तनुजा ने क्या लिखी प्रैक्टिस की स्पेलिंग, प्रैक्टिस की स्पेलिंग कन्नू, इसकी भी गलत है, सबने जो प्रैक्टिस की स्पेलिंग लिखी है वो सबकी गलत है। प्रैक्टिस की स्पेलिंग देखो दो होती है आपके, अब मैं बता दूं, ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस स्पेलिंग एक तो एस पे एंड होती है और एक होती है हमारे सी पे, ठीक है? स्पेलिंग दोनों सही है, बोथ स्पेलिंग्स आर करेक्ट बट देयर यूजेज आर डिफरेंट टू ईच अदर कंप्लीटली, है ना? लेकिन इनके जो यूजेज हैं वो कंप्लीट डिफरेंट है एक दूसरे। अब देखो क्या फर्क है दोनों में, ये तो है हमारे वर्ब, क्या है, एस वाली तो हमारे वर्ब है और सी वाली क्या है, नाउन, ठीक है? अब हमें यहां पर काय के रूप में काम में ले रहा है, अभ्यास को वर्ब के रूप में, तो कौन सी लोगे आप, एस वाली लोगे, कौन सी लोगे, एस वाली, ठीक है? प्रैक्टिस अमित मीणा गलत है, प्रैक्टिस ये वाला नाउन है,
और हमें वर्ब के रूप में काम में कर रहा है, प्रैक्टिस अभ्यास करना, तो हमें वर्ब के रूप में एस वाला लेना पड़ेगा। कौन सी लेनी पड़ेगी? एस वाली वर्ब लेनी पड़ेगी। तो ये जितेंद्र महावर ये पढ़ने आया है ना, तो पढ़ने की बात कर, कोई दिख रहा है नहीं दिख रहा है इससे क्या मतलब है तेरे को? पढ़ने आया है तो पढ़ो, वरना जाओ यहां से। आई वॉन्ट टू, अच्छा हो गया। आप देखो प्रैक्टिस कौन सी लेनी है हमें? एस वाली लेनी है। कौन सी लेनी है? एस वाली। ठीक, तो प्रैक्टिस, क्योंकि हमें यहाँ पर वर्ब लेनी है। ये हो गया अभ्यास करना। इसके बाद हमारी आ गई तीसरी वर्ब, फिर उसको भी काय से कनेक्ट करेंगे? टू से। और ये आ गया हमारा लर्न। अब हमें पता है लर्न के बाद एक और वर्ब आ रही है, तो हम काय से कनेक्ट करेंगे इसको? हाउ टू से। हाउ टू स्विम इन दिस रिवर। और टुडे, ये हो गया बस। दिस इज वेरी सरल सेंटेंस। अशोक सैनी, 12 बजे से 1 बजे तक की क्लास है, 7 मिनट की बात हो रही है, फिर क्लास ऑफ हो जाएगी। ठीक है, चलो हो गया। आप तो गलती नहीं करोगे ना, है भाई? अरे भाई, गलती नहीं करोगे ना आप तो? इस सेंटेंस को केवल कोमल तजनुजा ने ही काफी हद तक सही बनाया था, बस उसने मिस्टेक करी थी यहीं पर। ठीक है, समझ में आई सबको? आगे बढ़े अब, है भाई, आगे बढ़े अब। राहुल, तो क्या क्या चाहते हो? और दूं क्या सेंटेंस? ऐसे ही सेंटेंस और दूं क्या? अरे तौसिफ मियाँ यार, क्या घर पे पढ़ने आ रहे हो? अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना फैलाओगे क्या? हाँ, नेक्स्ट लेवल। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, एज यू विश। ओके चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे फिर कह रहा हूँ एक बार, लाइव चलती है ये क्लास, तो लाइव का मतलब है कि कोई भी क्लास को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अब कोई भी अगर अननेसेसरी ऐसा कोई व्यक्ति ज्वाइन कर ले जो आपको माइंड को डिस्ट्रैक्ट करे, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको केवल अपने पढ़ाई से संबंधित बातों पर ध्यान देना है, क्लास पर ध्यान देना है। और जो कमेंट, और कोई भी कमेंट कर रहे फालतू लोग, उनके कमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ना तो उससे चैट करनी है, ना उसको रिप्लाई करना है। ठीक है, केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की ओर। तौसिफ मियाँ, रीट की क्लास लगा रहा हूं मैं 2-3 दिन में, रीट की, इंग्लिश की। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। तौसिफ मियाँ, आई एम टॉकिंग टू यू। रीट की क्लास लगा रहा हूं मैं, 2-4 दिन में स्टार्ट करूंगा। 2-4 बच्चे तो हो चुके हैं, अगर आप भी पढ़ना चाहो तो बता देना। ठीक है, चलो देखो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसमें होता है इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक, चलो इसका सेंटेंस लिखता हूं मैं अब आपको। टाइमिंग बता दीजिए। टाइम अभी फिक्स नहीं किया तौसिफ मियाँ, जब टाइम होगा फिक्स बता दूंगा आपको। ठीक है, देखो इसका सेंटेंस है, जैसे मैं लिखूं, मैं
उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता हूँ। अब पहले एक बात यहाँ लिख लो, आप सबको पता होगा वैसे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और लिख लो। सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो हम उसके साथ डज लेंगे, और अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ डू लेंगे, ठीक है? ये तुम सबको पता है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, ओके, कोई बात नहीं है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखो, मैं उसे नहीं जानता, वही सब्जेक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करते चलना है। इफ यू फॉलो द स्ट्रक्चर देन एनी टाइप सेंटेंस विल नॉट बी रॉन्ग, नेवर। देखो टाइम अभी फिक्स नहीं किया प्रतिभा जी, टाइम जब होगा फिक्स मैं बता दूंगा, ठीक है? और बच्चों से बात चल रही है, उनसे टाइम फिक्स होने के बाद मैं सबको बता दूंगा। अशोक सैनी की बात सुन लो, क्या है, कौन है अशोक सैनी, क्या कह रहा है? सर पैसे मिलते हैं क्या आपको? अरे अभी कुछ पैसे वैसे नहीं है, पैसे मिलते हैं तो तू भी बना ले यूट्यूब चैनल और पढ़ाने लग जा, ठीक है? चलो देखो, अब सबसे पहले मैं, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, ठीक। अब मैं के बाद क्या लेना है, मैं डू या डज, अब हमें पता है आई प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लेना है, डू, ये आ गया डू, ठीक। अब यहां पर क्या है, नोट, ये आ गया नोट, ठीक। अब क्या है, वी फर्स्ट, काम क्या हो रहा है, जानना, जानने को क्या बोलते हैं, नो। अब इसके बाद हाउ टू आएगा कि नहीं आएगा, देखिए बताओ मेरे को यहां पे, जल्दी से बताओ, नो के बाद हाउ टू आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बताओ। हाँ तौसिफ भैया सही है, चलो इधर देखो, अब चलो जल्दी देखो, अब इधर इसके मेरे को बताओ, यहां पर हाउ आ गया तो हाउ के बाद ये हाउ क्या, नो आ गया, नो के बाद हाउ टू लेना है कि नहीं लेना है, जल्दी बताओ। अशोक अरे जतिन, ये अशोक अपनी क्लास का है क्या? हाँ कोमल तनुजा का आंसर आया, नहीं आएगा, नो के बाद हाउ टू नहीं आएगा, और कोई इधर ही कन्नू राज नहीं आएगा, अमित मीणा नहीं आएगा। अच्छा कारण पूछूं मैं क्यों नहीं आएगा, अब बताओ देखा क्यों नहीं आ रहा। हाँ अशोक सैनी कह रहा है, हाँ हाँ क्या, यस सर शिव पब्लिक से ही है, अच्छा ठीक है, ओके ओके, चलो अच्छी बात है, अब आ जाओ इधर, अब ये बताओ जतिन कारण बताओ यहां पर हाउ टू क्यों नहीं आ रहा नो के बाद। हाँ अमित मीणा ने सही आंसर कर दिया बिल्कुल, क्योंकि वर्ब नहीं है, अगर यहां पर वर्ब होती एक और देन वी हैव टू यूज हाउ टू, बट देर इज नो एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा वर्ब इन दिस सेंटेंस, इट मीन्स वी हैव नॉट टू टेक हाउ टू। चलो तो हमारा डायरेक्ट क्या बच जाएगा, अब नो के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, उसे, उसे को हिम, अच्छा हिम लू या हर लू बताओ, ये उसे लड़का है कि लड़की है? हाँ सही है कोमल तनुजा, देयर इज ओनली वन वर्ब, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट टू टेक हाउ टू। चलो और कोई, हिम हिम, और हर क्यों नहीं आ रहा, हर भी तो है, हो सकता है ना भाई, लड़की भी तो हो सकती है, वो लड़की भी तो हो सकती है, फिर ये क्यों ले रहे हो जबरदस्ती, हर भी तो ले सकते हैं अपन। हाँ कोमल तनुजा बताएगी इसका आंसर, शी क्यों नहीं आ रहा, हर क्यों आ रहा है। हाँ जतिन का आंसर आया, बिकॉज हमें प्रायोरिटी किसको देनी होती है, ही को, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हिम, मैं उसे नहीं जानता, ठीक है। अब आपको बनाने सेंटेंस, ध्यान रखना अब। हाँ सही है, हिम आ गया, चलो अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है वो आप बनाओगे बिल्कुल करेक्ट तरीके से, एक भी मिस्टेक हो गई ना तो सही बता रहा हूँ, फोन में घुस के डुक पड़ेगा उसके, ठीक है ना। चलो
अरे कन्नूराज पानी तो पिला जा इधर आके। चलो सेंटेंस लिखे जैसे आप दोनों, आप दोनों अब अच्छे से, आप दोनों अब अच्छे से अंग्रेजी नहीं सीखना, आप दोनों अब अंग्रेजी अच्छे से सीखना नहीं चाहते हो, नहीं चाहते हो। चलो बनाओ जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए, फिर कह रहा हूँ, नहीं तो फोन में घुस के डुक पड़ेगा। चलो बनाओ, देख कौन सही बनाता है। हाँ जतिन, ये सेंटेंस पूरा हो जाए फिर कर देंगे ऑफ, है ना। जब तक ये सेंटेंस बनाओ जल्दी से आंसर करो, जल्दी आंसर करो। देख कौन सही करता है आंसर। एक का भी आंसर नहीं आया अभी तक। जतिन टाइम अप नहीं होता, टाइम्स अप होता है, टाइम इज अप या टाइम्स अप। यू बोथ डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश नाउ, अच्छे से कहां गया इसमें जतिन, अच्छे से कहां है। यू हैव टू यूज ऑल वर्ड्स, यस आएगा सर, क्या आएगा, यस आएगा, मतलब बोथ ऑफ यू डू नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश वेरी वेल नाउ। ओहो क्या बात है कमल तनुजा, एक डांट पड़ते ही क्या बात है, बिल्कुल लाइन पे आ गए तुम तो। मैं मुझे पता होता तुम्हें कब का डांट लगा देता तुम्हें, तो तुम कब से लाइन पे आ जाते। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कोमल तनुजा। तो देखो अब आप दोनों की इंग्लिश क्या होगी, इसको आप दोनों को क्या बोलेंगे, यू बोथ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बोथ ऑफ यू, दिख तो रहा है ना बोर्ड पे, हाँ बोथ ऑफ यू, दोनों सही है ठीक है, या तो यू बोथ ले लो या बोथ ऑफ यू ले लो, दोनों सही है। अब इसके बाद हमें ले रही है वर्ब, वर्ब क्या, हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा, डू आएगा कि डज आएगा, ये एक से ज्यादा है तो हमें डू लेनी पड़ेगी, डू, और डू के बाद क्या है नॉट, ये आ गई नॉट ठीक। अब लेनी है हमें वी फर्स्ट, तो देखो हम काम क्या हो रहा है, चाहना और भी हो कि यहाँ पर सीखना ठीक, चाहना सीखना है, दो वर्ब है, एक हो या एक से ज्यादा हो डोंट वरी, बिकॉज वी नो हाउ टू यूज वर्ब, वन वर्ब एंड मोर देन वन वर्ब। हाँ इसका आया है यू बोथ डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश वेल, हाँ राहुल यू आर ऑल्सो राइट बेटा, लेकिन बहुत देर में आंसर दिया बेटा, तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है और ऐसे मत कर यार, है ना, सबसे जल्दी देने का प्रयास करा कर, भले कोई बात नहीं लेट हो जाए लेकिन आंसर सही होना चाहिए। और वो कुलदीप किधर गया अपना, अरे वो कुलदीप आंसर नहीं कर रहा, क्या बात है। चलो देखो तो डू नॉट वाली बाद में आ रही है तो इसको पहले लेंगे, वॉन्ट इसके बाद टू और ये सीखना, तो ये लर्न ठीक। अब क्या बचा है इसमें, ऑब्जेक्ट और भी है क्या, वर्ब नहीं है, तो ये आ गया अंग्रेजी, इंग्लिश, अब क्या बच रहा है अच्छे से और नाउ, तो अच्छे से को बोलते हैं हम वेल या वेरी वेल, दोनों ठीक है, और अब को क्या बोलते हैं नाउ, ये हो गया ठीक है, कोई गलती नहीं करोगे अब तो।
है भाई। हाँ मोहित मीणा, बाय बेटा। अरे भाई मोहित मीणा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना बेटा सब्सक्राइब, है ना, ताकि नेक्स्ट जब भी लाइव क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा तेरे को, ठीक है। आप कोई समस्या है इस सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस में किसी को? अशोक सैनी, ओके, क्लास डेली ज्वाइन कराकर अशोक सैनी, अशोक सैनी क्लास डेली ज्वाइन कराकर, 12 से 1 रहती है क्लास। अबे गुड नाइट कहाँ से हो गया अभी जतिन? हाँ मोहित मीणा, थैंक्स बेटा। और क्लास डेली ज्वाइन कराकर मोहित, और एक और था ना वो अशोक, वो डेली ज्वाइन करा करो क्लास को मोहित। कितनी आईडियाज, अच्छा आईडीज बोल रहा है। अरे तेरे पास जितनी आईडीज है ना उन सबसे कर देते तो अच्छी बात है। जितनी आईडी बना रखी है मोहित मीणा उन सबसे कर देते तो, 1 2 3 जितनी भी है ना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगा फिर। चलो ठीक है, आप कोई समस्या नहीं है ना किसी को? अरे जतिन क्या स्टार्ट करवाना चाह रहा है तू अशोक से? हाँ चलो एक सेंटेंस और बनाओ देखिए इसका, है ना, गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सेंटेंस और बना जा अमित मीणा पहले, फिर चले जाना। एक सेंटेंस और बना दो इसका, बिल्कुल सही लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। देखो वह व्यक्ति आजकल अपना कार्य बहुत अच्छे से करने का प्रयास करता है, चलो जल्दी से बना लो अब इसको। वह व्यक्ति आजकल अपना कार्य बहुत अच्छे से करने का प्रयास करता है, देख कौन बनाता है सही, जल्दी से। चलो ओके कोई बात नहीं, अब सेंटेंस पे ध्यान दो। अशोक सैनी आजकल का मतलब नहीं पता तेरे को? अरे अशोक सैनी आजकल को बोलते हैं हम, आजकल को ये बताएगी कोमल तनुजा क्या बोलते हैं। हाँ भाई कोमल तनुजा आंसर दो इसका मोहित का, कि आजकल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जल्दी से। जल्दी आंसर करो कोमल तनुजा, आजकल को क्या बोलते हैं? आंसर करो भाई जल्दी से, आजकल को क्या बोलते हैं?
दैट पर्सन डज नॉट ट्राई टू डू हिज वर्क वेरी वेल नाउअडेज। चलो मिल गया आंसर तुझे मोहित, नाउअडेज बोलते हैं आजकल को, क्या बोलते हैं? नाउअडेज। और ये जो सेंटेंस बनाया है इन दोनों ने, दैट पर्सन डज नॉट नाउअडेज, बिल्कुल सही है कोमल तनुजा, और सेंटेंस भी तुम्हारा बिल्कुल सही है, शाबाश। ऐसे कर पढ़ा, ऐसे करा करो पढ़ाई, हर कहीं कंफ्यूज हो जाते थे। अब अगर कंफ्यूज हुए ना तो देख लेना दुख पड़ेंगे। दैट पर्सन ट्राइज टू कंप्लीट हिज वर्क वेरी, ये अमित मीणा नहीं, गलत है बेटा ये तो। हाँ इधर से इन दोनों में क्या हो रहा है? दैट पर्सन नाउअडेज ट्राइज हाँ इसका सही है, दैट पर्सन नाउ अडे, अरे यार नाउ अडे शुरू में थोड़ी आएगा एडवर्ब, वो तो लास्ट में आएगी। और अभी लेना चाह रहे तो फिर सेंटेंस शुरू में ले। हाँ गलत है ये, राहुल चौधरी गलत है बेटा। अरे कोमल तनुजा तुम्हारे भी एक गलती है सेंटेंस में, चेक करो क्या है वो। कोमल तनुजा देयर इज अ मिस्टेक इन योर सेंटेंस, चेक करके दोबारा सही करके सेंड करो आंसर। सेंटेंस अफर्मेटिव है, किसने कह दिया सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा ये इतने इसमें नहीं लगाना भूल गया क्या? वह व्यक्ति आजकल अपना कार्य बहुत अच्छे से करने का प्रयास नहीं करता है, अब लगाओ इसमें, नहीं करता है, अब सही है, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। हाँ अब बनाओ, ये नोट लगाना था वो भूल गया मैं, कोई बात नहीं है अब बनाओ। और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी यूज कर लिया करो भाई, जब मैंने साफ साफ लिख लिया, साफ साफ लिख दिया कि नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा हुआ ना, इधर मैं भी इंसान ही हो सकती है गलती हिंदी के सेंटेंस में, इंग्लिश में नहीं होगी, हिंदी में हो जाए तो हो जाए। अरे कोमल तनुजा तुझे ये बताना है कि तुम्हारे सेंटेंस में एक गलती है, अब वो गलती क्या है ढूंढो उसको, समझ में आ गई? और दोबारा कमेंट करो सही आंसर जल्दी से। दैट पर्सन डज नॉट, एक सेकंड कोमल तनुजा का दोबारा चेक करने थे सेंटेंस। नहीं कोमल तनुजा बिल्कुल सही है बेटा, कोई गलती नहीं है कोमल तनुजा, योर सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। दैट पर्सन डज नॉट ट्राई टू डू दिस वर्क वेरी वेल नाउअडेज। अरे अंजलि ये नाव का कौन सा नाव लिख दी तू, ये के ओ नो लिख दी तू, एन ओ डब्ल्यू वाला आएगा, के हटा यहाँ से, और ये दिस नहीं हिज आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? हिज न कि दिस, तो क्या हो जाएगा? दैट पर्सन हिज वर्क नॉट दिस वर्क, क्या आएगा? हिज वर्क वेरी वेल नाउअडेज, नाउअडेज अंजलि एन ओ डब्ल्यू न कि के एन ओ डब्ल्यू, आ गई समझ में सबके? ठीक है अब हम क्लास को ऑफ करते हैं और फिर मिलते हैं कल 12 बजे सेम टाइम पे, ठीक है? दैट पर्सन डज नॉट ट्राई टू कंप्लीट हिज वर्क वेल नाउअडेज, अरे कंप्लीट क्यों आएगा, मैंने पूरा करना थोड़ी लिखना है यहाँ पर, करना है लिखा है बस, आजकल अपना कार्य अच्छे से करने का, पूरा करने का नहीं लिखा मैंने। ये कौन है? अमित मीणा। अरे भाई पूरा करना नहीं लिखा मैंने, केवल करना लिखा है।
दैट्स वाई वी हैव टू यूज डू नॉट कंप्लीट. ओके ओके अंजलि, ओके ओके ओके, चलो ठीक है, बाय बाय, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, 12 बजे आ जाना क्लास में. और 2-5 मिनट लेट हो जाए तो भगया मत करो, करो इंतज़ार कर लिया करो, ठीक. चलो ओके बाय, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम. हाँ अब तुम चैट करते रहो, हाय राहुल और बाय राहुल, ठीक है.